बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में कह रहे हैं कि हमें गन्ना पसंद है और अखिलेश यादव को जिन्ना पसंद है, बावजूद इसके मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में 29 दिनों से गन्ना किसान बेहाल हैं। सोमवार को तो किसान इतना उग्र हो गए कि उन्होंने जिला पंचायत स्थित गन्ना अधिकारी के ऑफिस में ताला जड़ दिया। बता दें कि पिछले 29 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का हल नहीं निकल रहा। दरअसल गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते जिले का गन्ना बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ चीनी मिल भेजा जा रहा है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष गुड्डू सिंह के नेतृत्व में गन्ना किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने कहा है कि अधिकारी कर्मचारी किसानों की सुनने को तैयार नहीं है, तब ये इस दफ्तर में क्यों बैठेंगे। मैं इनसे बार बार पूछता हूं, तुम किसान के लिए नियुक्त हो कि नहीं नियुक्त हो? कहते हैं कि नहीं। अब ये सरकार बताए कि गन्ना कार्यालय किसानों के लिए है कि नहीं है, लेकिन ये अधिकारी कर्मचारी एक सुनने को तैयार नहीं है। जब ये किसानों की समस्या को सुनने के लिए अधिकारी कर्मचारी तैयार नहीं है, तो इस दफ्तर में क्यों ये बैठेंगे। मैं इनसे बार बार पूछता हूँ, तुम किसान के लिए नियुक्त हो नहीं नियुक्त हो? कहते नहीं, मैं किसान के लिए नहीं। तो जब किसान के लिए नहीं, तो गन्ना कार्यालय के लिए बनाया गया है। या सरकार बताए या शासन प्रशासन के लोग बताए कि गन्ना कार्यालय किसानों के लिए नहीं है। गौरतलब रहे कि 15 दिन पहले आक्रोशित किसानों ने प्रदर्शन करते हुए यहां गन्ना तक जलाया था और फिर गन्ने की अर्थी तक निकाली थी। यही नहीं, किन्नर बोर्ड की नई नवेली बनी उपाध्यक्ष सोनम किन्नर ने भी इनसे मिलकर आश्वस्त किया था कि मांगों का निस्तारण होगा, लेकिन ये कोरा आश्वासन ही निकला। हाल ही में गन्ना किसानों के समर्थन में सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा भी इनके प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उल्लेखनीय रहे कि सुल्तानपुर में एक अदद चीनी मिल है। वर्तमान में बीजेपी सांसद मेनका गांधी के दिवंगत पति संजय गांधी ने यह तोहफा यहां के लोगों को सौंपा था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से मिल सालों से घाटे में चल रही है। अब जब गन्ने का नया सत्र शुरू हुआ है, तो किसानों का गन्ना यहाँ की चीनी मिल में नहीं बेचकर बाराबंकी स्थित हैदरगढ़ चीनी मिल में भेजा जा रहा है। वहीं पूर्वांचल किसान सहकारी चीनी मिल मजदूर संघ की ओर से बताया गया है कि नया सत्र शुरू हो गया है और हम लोगों को 32 माह से वेतन तक नहीं मिला। धन अभाव के चलते कई कर्मचारी व उनके परिवारों के सदस्यों के इलाज के अभाव में अब तक मृत्यु भी हो चुकी है। परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है। मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र है, लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज